मोदी 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 सब मायरा बोलछी उलोदनी दिबेन सबाई मिले मायेदेर उलोदनी दिबेन मोदी 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 जय मां त्रिपुर सुंदरी जय मां त्रिपुर सुंदरी। आमार प्रिय त्रिपुरावासी भाई और बोनेरा सबाई के नमस्कार खुलुमका आपनारा केमन आछेन नारंग भाई ता आप इतनी दूर दूर से हम सभी को एनडीए को भाजपा को आशीर्वाद देने आए हैं। और मैं अभी जब यहां आने में देर इसलिए हुई कि हेलीपैड से यहां तक पूरे रास्ते भर ऐसा लोग खड़े रह करके आशीर्वाद दे रहे थे। इतनी बड़ी तादाद में लोग रास्ते पर खड़े थे तो उनको प्रणाम करते करते आप तक पहुंचने में मुझे देर हो गई। और यहां भी मैंने देखा दूर दूर तक जहां मेरी नजर जा रही है लोग ही लोग दिखते हैं। मैं पहले भी इस मैदान में आ चुका हूं और आज भी मैं देख रहा हूं उमंग और उत्साह से भरा हुआ है मैदान। चुनाव के नतीजे क्या होने वाले हैं पक्का कर देता है। ये संयोग है कल मैं यहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर लखनऊ शहर में था और मजा देखिए लखनऊ की पहचान भी गोमती नदी से है। आज मैं त्रिपुरा के गोमती जिले में हूं और यहां भी गोमती नदी जीवन की मुख्य धारा है। यहां चाबी मारा और तीर्थ मुख जैसे आस्था के अनेक केंद्र हैं। मैं हर आस्था स्थल पर अपना शीश झुका करके प्रणाम करता हूं। साथियों आपका इतनी बड़ी संख्या में हमें यहां आशीर्वाद देने के लिए आना भाजपा सरकार की वापसी का ये ऐलान है। ऐलान आपका रिकॉर्ड संख्या में यहां आना हमारे विरोधियों की तो नींद ही खराब कर देगा। आज पूरा त्रिपुरा कह रहा है सब दूर से एक ही आवाज आ रही है। रास्ते में लोगों से मैं सुन रहा था यहां सुन रहा था एक ही नारा एक ही जय घोष फिर एक बार। भाइयों बहनों जिस प्रकार से आप लोगों का समर्थन मिल रहा है और पांच साल पहले जब मैं आपके बीच भाजपा सरकार के लिए आशीर्वाद मांगने आया था हमारे सारे साथी नए थे अनुभव कम था लेकिन आपको हमारी ईमानदारी पर भरोसा था। त्रिपुरा की भलाई के लिए हम काम करेंगे इस पर आपका भरोसा था और आपने हमें सेवा का मौका दिया। और उस समय मैंने कब वादा किया था हीरा याद होगा HIRA हीरा
विकास यानी हाईवे, हाईवे इंटरनेट, रेलवे और एयरवेज से जुड़ा विकास। भाजपा सरकार ने बीते 5 वर्षों में दिन रात मेहनत करके इस वायदे को जमीन पर उतारने के लिए काम किया है। आज देश भर से जो लोग यहां आते हैं, जो लोग मां त्रिपुर सुंदरी के दर्शन करने आते हैं, वो इस हीरा का अनुभव के साक्षी बन रहे हैं। अगरतला में महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट पर उतरने वाले लोगों को एयरपोर्ट देखते ही पता चल जाता है कि त्रिपुरा कितना भव्य है, त्रिपुरा कितना दिव्य है, त्रिपुरा कितना वाइब्रेंट है। त्रिपुरा में हाईवे और रेलवे नेटवर्क पर भाजपा सरकार ने बहुत काम किया है। लेफ्ट और कांग्रेस के शासन में यहां हजारों गांव ऐसे थे जिन तक कभी सड़क ही नहीं पहुंच पाई थी। बीते 5 साल में यहां के करीब करीब 5,000 गांवों तक हमारी सरकार ने सड़क पहुंचाई है। बीते 5 सालों में त्रिपुरा में मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी भी बहुत मजबूत हुई है। अब तो यहां के दूर सुदूर ग्राम पंचायतों तक को 4G कनेक्टिविटी जोड़ने का काम तेजी से चल रहा है। साथियों, ये मेरा त्रिपुरा के लोगों से वायदा है कि फिर से भाजपा सरकार बनने के बाद त्रिपुरा के विकास में और तेजी आएगी, आपके सपने साकार होंगे। मेरे त्रिपुरा के भाइयों बहनों, मेरी बात याद रखिएगा, 16 फरवरी को त्रिपुरा में हर वोट भाजपा को पड़ना चाहिए, कमल के निशान पर पड़ना चाहिए। साथियों, भाजपा को दिया आपका एक एक वोट बहुत अनमोल है। आपके वोट की जो शक्ति है वो त्रिपुरा को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाएगी। आपका भी और आपके बच्चों का भी भविष्य सुरक्षित करेगा, सुनिश्चित करेगा। आपके एक वोट की शक्ति त्रिपुरा को विनाशकारी ताकतों से भी बचाएगी। आज आप याद रखिए, जिन लोगों ने त्रिपुरा में बरसों बरस शासन किया, उन लोगों ने यहां के हालत कैसा बना के रखा था, यहां के जनजातीय साथी, यहां के गरीब, यहां की माताएं, बहनें, महिलाएं, यहां के युवा, सभी को लेफ्ट और कांग्रेस के शासन में उनकी जिंदगी जीना मुश्किल कर दिया था, सपने चूर चूर कर दिए थे, बच्चों को राज्य छोड़कर के बाहर जाने के लिए मजबूर कर दिया था। गांव हो, गरीब हो या फिर कर्मचारी, व्यापारी हो या छोटा कारोबारी, बिजली पानी पाना भी उनके लिए लोहे के चने चबाने जैसा था, मूलभूत आवश्यकता भी उनको नहीं मिल पाती। लेकिन जिन्होंने पहले
दिल्ली में, त्रिपुरा में शासन किया, उन्होंने इन सुविधाओं की कभी परवाह ही नहीं की, जिन्होंने सालों साल बारी बारी से त्रिपुरा को लूटा, त्रिपुरा के लोगों को गरीबी में रखा, अभाव में जीने के लिए मजबूर किया। आज वही लोग कभी आमने सामने थे, अब चंदा लेने की आदत जाती नहीं है, इसलिए फिर से साथ आ गए हैं। ये चंदा के लिए आए हैं, आपका भला करने के लिए नहीं आए। इसलिए त्रिपुरा के लोगों को कांग्रेस लेफ्ट की दूधारी तलवार से सतर्क रहना है। साथियों, मां त्रिपुर सुंदरी के आशीर्वाद से डबल इंजन की सरकार त्रिपुरा को एक नई पहचान दी है। त्रिपुरा अब पिछड़ेपन से निकल रहा है, विकास के अनेक पैमानों पर आगे बढ़ रहा है। वो त्रिपुरा जो कभी खुद अंधेरे में रहने के लिए मजबूर होता था, यहां के शासकों ने घर को भी अंधेरे में और जिंदगी को भी अंधेरे में डुबो के रखा था, आज मेरा त्रिपुरा पड़ोसी देश बांग्लादेश को भी बिजली दे रहा है। भाजपा सरकार ने त्रिपुरा के 3.5 लाख गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया है। भाजपा सरकार ने त्रिपुरा के 4 लाख परिवारों को नल से जल की सुविधा दी है। और जब नल से जल आता है ना, तो ये माताओं बहनों का आशीर्वाद का पाइपलाइन सीधा दिल्ली मेरे घर में खुलता है, आशीर्वाद मुझ पर बरसते रहते हैं। ये माताओं बहनों के आशीर्वाद, जब जब उनका नल खोलते हैं ना, वो पहले मोदी को आशीर्वाद देते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वो दिन दूर नहीं जब त्रिपुरा के हर घर में 2400 घंटे बिजली आएगी, हर घर में पाइप से पानी पहुंचेगा। भाइयों और बहनों, मैंने अपने जीवन का बहुत का समय आदिवासी भाई बहनों के बीच में, जनजातीय परिवारों के बीच में गुजारा है। मैं गरीब का दुख समझता हूं, जनजातीय परिवारों की चुनौतियां समझता हूं। इसलिए भाजपा सरकार गरीब माताओं बहनों, जनजातीय परिवारों का जीवन आसान बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। दिल्ली की भाजपा सरकार भी कर रही है और त्रिपुरा की भाजपा सरकार भी कर रही है। आप याद कीजिए, 5 साल पहले जब यहां सीपीएम की सरकार थी, तब गरीब के राशन को, गरीब का चूल्हा जलता नहीं था, आपके अधिकार के राशन को ये सीपीएम की चंदा वाली कंपनी लूट लेती थी। गरीब राशन चाहता था, लेकिन वामपंथी उस राशन को लूट लेते थे। आपने वामपंथियों को त्रिपुरा से हटाया, डबल इंजन सरकार बनाई, और इसका नतीजा आज त्रिपुरा का हर नागरिक देख रहा है। आज त्रिपुरा के हजारों परिवारों को
मुफ्त राशन मिल रहा है, पूरा राशन मिल रहा है। इससे सबसे अधिक हमारी माताएं बहनों की परेशानी कम हुई है। साथियों, मैं कभी नहीं भूल सकता कि दिल्ली में सरकार बनने के बाद किस तरह हम गरीबों को घर के लिए प्रयास करते थे। हमारी सरकार दिल्ली से पैसे भेजती थी, लेकिन उस समय जो वामपंथियों की यहां सरकार थी उसको गरीबों के घर बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो त्रिपुरा के गरीबों को घर मिले ये चाहते ही नहीं थे। 5 साल पहले आपने जब डबल इंजन सरकार बनाई तो गरीबों के घर बनाने में तेजी आई। बीते 5 साल में भाजपा सरकार ने त्रिपुरा के करीब करीब 3 लाख गरीब परिवारों को पक्के घर बनाकर दिए और मैं आज त्रिपुरा के हर गरीब से और एक वायदा कर रहा हूं, जिन गरीबों को अब तक पीएम आवास योजना के पक्के घर नहीं मिले हैं, मेरे बात पे भरोसा करना, उन्हें भी भाजपा सरकार बनने के बाद पक्के घर बनाने का काम तेज कर दिया जाएगा। एक भी गरीब को फुटपाथ पर जिंदगी जीनी न पड़े, एक भी गरीब को झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी जीनी न पड़े, ये सपना और संकल्प लेकर के हम आपके चरणों में बैठे हैं। इस बार के बजट में मोदी सरकार ने गरीब के घरों के लिए लगभग 80,000 करोड़ रुपया अलग से रखे हैं। वो पैसे गरीबों के घर बनाने के लिए ही खर्च होने वाले हैं। साथियों, पीएम आवास के घरों ने एक और बहुत बड़ा काम किया है। त्रिपुरा में ये जो घर मिले हैं इनमें से अधिकतर घर मेरी माताओं बहनों के नाम पर आवंटित किए गए हैं। आज गरीब परिवारों की, जनजातीय समाज की हजारों माताएं बहनें पहली बार घर की मालकिन बनी है। साथियों, भाजपा सरकार गरीबों की सरकार है, गरीबों का हित सर्वोपरि रखने वाली सरकार है। त्रिपुरा के लोगों को जो सामाजिक भत्ता मिला करता था उसमें भी भाजपा सरकार ने रिकॉर्ड वृद्धि की है। ये भी भाजपा एनडीए सरकार ही है जिसने सामाजिक भत्ते को 500 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये किया है। भाइयों और बहनों, इस वर्ष के बजट में कुछ और बड़ी घोषणाएं हैं जिनका लाभ त्रिपुरा की बहनों को होगा, जनजातीय समाज को होगा। पहली बार बहनों के लिए एक विशेष बचत योजना लेकर हम आए हैं। हमने लाखों बहनों के बैंक में जनधन खाते खोले, अब उनमें जमा पैसों को बढ़ाने का प्रबंध कर रहे हैं। महिला सम्मान बचत पत्र में बहनें 2 लाख रुपए तक की बचत कर सकती हैं। इस पर सबसे अधिक ब्याज मिलेगा। साथियों, जिन जिलों में
आदिवासी आबादी अधिक है वहां एकलव्य मॉडल स्कूल हम बहुत तेजी से खोल रहे हैं। कल त्रिपुरा में भाजपा ने जो अपना संकल्प पत्र जारी किया है उसमें भी आदिवासी कल्याण पर बहुत बल दिया गया है। साथियों, भाजपा सरकार आदिवासी और उनके परिवार का कल्याण और आदिवासी गौरव इसके लिए कितनी प्रतिबद्ध है ये भी मैं आप लोगों को याद कराना चाहता हूं। 9 वर्ष पहले कांग्रेस और सीपीएम वाले जब दिल्ली में एक साथ सरकार चलाते थे तब आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए सिर्फ 25,000 करोड़ रुपए का बजट था। आज जब भाजपा की एनडीए की सरकार है तो ये बजट बढ़कर के 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुका है। इस पैसे से आदिवासी साथियों के लिए विकास के सैकड़ों काम हो रहे हैं। यही कारण है कि आज देश में जहां भी चुनाव होते हैं तो जनजातीय समाज भारी संख्या में भाजपा को समर्थन देता है। अभी अभी गुजरात में चुनाव हुआ, आदिवासी समाज ने करीब करीब 100% सीटें बीजेपी को जिता दी। यहां त्रिपुरा में भी मैं जनजातीय समाज में बीजेपी के लिए बहुत अधिक समर्थन देख रहा हूं। भाइयों और बहनों, डबल इंजन सरकार के सुशासन का एक और बड़ा लाभार्थी हमारे किसान भाई बहन है और उसमें भी छोटे किसान है। बीते 5 वर्षों में त्रिपुरा के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 500 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। यहां गोमती जिले के भी 40,000 किसानों के बैंक खातों में 80 करोड़ रुपए से अधिक भेजे गए हैं। और कोई बचोलिया नहीं, कोई चंदा नहीं, कोई कटकी कंपनी नहीं, सीधा किसान के खाते में पैसा। याद कीजिए, धान की सरकारी खरीद को लेकर किसानों को 5 साल पहले तक कितनी परेशानी होती थी। डबल इंजन सरकार धान खरीद से जुड़ी प्रक्रिया को सरल बना रही है। बीते 5 वर्षों में यहां धान उगाने वाले हजारों परिवारों को भी करोड़ों रुपए एमएसपी पर मिले हैं। डबल इंजन के सरकार के प्रयासों से त्रिपुरा के अनेक फल और सब्जियां अब विदेश एक्सपोर्ट हो रहे हैं। त्रिपुरा के रबड़ किसानों के लिए भी निरंतर नई संभावनाएं बन रही है। रबड़ बोर्ड के माध्यम से त्रिपुरा में रबड़ की पैदावार का एरिया बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ये इसलिए जरूरी है कि भारत में गाड़ियों की डिमांड लगातार बढ़ रही है। गाड़ियां बढ़ेगी तो टायर की डिमांड बढ़ेगी, टायर के लिए त्रिपुरा के रबड़ की डिमांड बढ़ेगी। इसलिए आने वाले समय में त्रिपुरा के बड़े और हमारे रबड़ किसानों के लिए बहुत अवसर आने वाले हैं। साथियों, भाजपा सरकार के एक और बड़े अभियान से भी त्रिपुरा के छोटे किसानों को बहुत लाभ होने वाला है। त्रिपुरा में मोटे अनाज की
मिलेट की पैदावार काफी होती है, विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में काऊ पैदा होता है। ऐसे अनाज को देश अब श्री अन्न के रूप में देश दुनिया तक पहुंचाएगा। इसके लिए छोटे किसानों को मदद और प्रोत्साहन दिया जा रहा है। साथियों, त्रिपुरा में आज शांति है, अच्छी कनेक्टिविटी है, इसलिए यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार की संभावनाएं बढ़ रही है। त्रिपुरा के पास टूरिज्म का बहुत पोटेंशियल है, विशेष रूप से आस्था, आध्यात्म, तीर्थ यात्रा से जुड़े टूरिज्म के लिए त्रिपुरा विख्यात है। गोमती, उदयपुर सहित इस पूरे क्षेत्र तो त्रिपुरा की पर्यटन राजधानी भी कहा जाता है। उदयपुर की पहचान तो मंदिरों के शहर के रूप में है। यहां साथ में ही भुवनेश्वरी मंदिर, गुणावती मंदिर, शिव मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, गोपीनाथ मंदिर, अनगिनत पवित्र स्थान है। चबीमुरा भी पूरे पूर्वोत्तर का एक बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन सेंटर है। अपनी इस धरोहर का विकास सिर्फ भाजपा सरकार कर सकती है, डबल इंजन सरकार कर सकती है। अपनी संस्कृति को हीन भावना से देखने वाले लेफ्ट और कांग्रेस के लोगों ने अतीत में भी कुछ नहीं किया और आगे भी ऐसी कोई संभावना नहीं है। आज अगर स्वच्छता के लिए त्रिपुरा को नई पहचान मिली है तो ये भी डबल इंजन सरकार के कारण मिली है। इसलिए त्रिपुरा में टूरिज्म के विकास के लिए, रोजगार के लिए डबल इंजन सरकार जरूरी है। इतना ही नहीं भाइयों बहनों, ये लेफ्ट वाले एक राज्य में राज करते हैं। आप कोविड की इतनी भयंकर महामारी आई, इतनी बड़ी बीमारी आई, ज्यादा से ज्यादा बीमार होने वाले लोग उसी राज्य में थे, अधिकतम लोगों को मरने की नौबत भी उनके ही राज्य में आई। हमारा त्रिपुरा बच गया इतनी भयंकर बीमारी आने के बावजूद भी। त्रिपुरा के नागरिक बच गए क्योंकि भाजपा की सरकार आपकी जिंदगी के लिए दिन रात मेहनत करने वाली सरकार है। अगर यहां भी पहले वाले वामपंथी होते तो त्रिपुरा भी इस भयंकर महामारी कोविड में पता नहीं कितने ही परिवारों के हमारे स्वजन हमें खोने पड़ते हैं। साथियों, 16 फरवरी को जब आप लोग वोट डालने जाएं तो एक और बात याद जरूर रखें, कांग्रेस और लेफ्ट, ये दोनों पार्टियां गरीबों को और गरीब बना देती हैं। ये गरीबों के नाम पर नारे लगाती हैं, लेकिन उन्हें गरीबों का दर्द कभी दिखाई नहीं दिया। इसलिए देश में जब तक इनकी सरकारें रही है, जिन राज्यों में इनकी लगातार सरकारें रही, वहां गरीब ही मरता रहा, गरीब ही बर्बाद होता रहा, श्रमिक ही लूटाता गया। इनके राज में कुछ इने गुने परिवार वही मौज करते रहिए, वही फलते फूलते रहे। आपको एक बात और मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं,
कांग्रेस और लीप दोनों दल जहां भी रहे वहां गुंडों के भ्रष्टाचारियों के गिरोह बनाते हैं। इनके राज में शांति और ईमानदारी के लिए कोई जगह नहीं होती। एक दूसरे को किसी न किसी बहाने से लड़ाना, यही इनकी राजनीति रही है। तीसरी और एक बात, हमारे त्रिपुरा के लोग तो भलीभांति जानते हैं, कांग्रेस और लेफ्ट के लोग देश की जनता के प्रति रत्ती भर भी ईमानदार नहीं है। ये लोग एक राज्य में लड़ते हैं और दूसरे में राज्य में आकर दोस्ती कर लेते हैं। ये केरल में कुश्ती करते हैं कांग्रेस वाले और वाम वाले, और त्रिपुरा में दोस्ती करते हैं, उन पर कौन भरोसा करेगा? उनकी बातों में कोई विश्वास करेगा क्या? और लेकिन मैं एक बात से बहुत तसल्ली में हूं, अब त्रिपुरा की जनता ने भी ठान लिया है, वाम पंथियों ने दशकों तक यहां जो कुशासन दिया है, अब फिर से त्रिपुरा में वो बर्बादी के मंजर आने नहीं देना है। अब ऐसे बुरे हाल, मैं अभी जब हेलीपैड पे उतरा, कुछ लोग वहां मुझे मिले, मैंने पूछा क्या है भाई चुनाव का हाल जरा बताइए, फिर मैंने पूछा माताओं बहनों का क्या है, तो एकदम से बोल पड़े, अरे साहब माताएं बहनें तो सब वोट डालने वाली। मैंने कहा क्या बात है? बोले पहले यहां माताओं बहनों का बेटियों का जीवन बहुत मुश्किल था, अकेले घर से बाहर निकल नहीं पाती थी, अत्याचार बलात्कार परेशानियां हर बेटी को सहनी पड़ती थी। जब से भाजपा की सरकार आई है हमारे त्रिपुरा की बहन बेटियां माथा ऊंचा करके सम्मान के साथ जी रही है, देर रात भी घर के बाहर निकल पा रही है। और इसलिए ये जो शांति मिली है, ये जो सुख सुकून मिला है, ये हमारी बेटियों के मन में भाजपा की ताकत का आज वो झंडा लेकर के निकल पड़ी है। और इसलिए बोले आज पूरा त्रिपुरा की माताएं बहनें, शांति मिली है उसके कारण, सुरक्षा मिली है उसके कारण, भाजपा को पूरी तरह से समर्थन करने वाली है। भाइयों बहनों, ये जरूर पूरी कोशिश कर रहे हैं, उनके राजनीतिक हेतु सिद्ध करने के लिए हमारे विरोधी वोटों को बिखरना चाहते हैं, बंटवारा करना चाहते हैं, और छोटी मोटी वोट कटाऊ पार्टियां भी मैदान में आकर के सपने देख रहे हैं कि चुनाव नतीजे आने के बाद हमें हमारी कीमत मिलेगी। भाइयों बहनों, एक खरीद बिक्री के सपने लेकर के जो निकले पड़े हैं ना, उनको तो अभी से ही घर में बंद कर दो, उनको कभी चुनाव जीतने ही मत देना। मैं तो आपसे यही करूंगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। भारतीय जनता पार्टी के साथी दलों को जिताना है। आपको सिर्फ और सिर्फ आपके भविष्य को देखना है, त्रिपुरा के विकास को चुनना है, त्रिपुरा में डबल इंजन सरकार को चुनना है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आने वाले कुछ सालों में त्रिपुरा की नई ऊंचाई पर पहुंचाने में हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। और मैं आपको वादा करता हूं, मैं बार बार त्रिपुरा आया हूं, यहां भी मैं आपके पास फिर एक बार आया हूं, त्रिपुरा के प्रति मेरा कितना प्यार है वो आप मेरे व्यवहार से देखते हैं।
आपने मुझे दिल्ली में सेवा करने के लिए बिठाया है। मैं 5 साल त्रिपुरा की सेवा में लगा रहा, आगे भी त्रिपुरा की भलाई के लिए एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगा, ये मैं वादा करने आया हूं। भाइयों बहनों, मेरा आपसे एक आग्रह है, इतनी बड़ी संख्या में आप आए हैं, गांव में भी अनेक परिवार हैं, माताएं बहनें हैं जिनके दर्शन करना मेरा सौभाग्य होता है, लेकिन कभी कभी समय अभाव में हो नहीं पाता है। इसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। करेंगे मदद? मदद करेंगे? हाथ दोनों ऊपर करके बोलिए, मदद करेंगे? पक्का करेंगे? और जोर से बोलिए, हाथ ऊपर करके बोलिए, मदद करेंगे? मेरा एक काम करेंगे? पक्का करेंगे? 16 तारीख के पहले आप घर घर जाइए और उनको बताइए कि मोदी जी आए थे और मोदी जी ने आकर के आप सबको नमस्कार भेजा है। मेरे नमस्कार पहुंचाएंगे, हर घर में पहुंचाएंगे, मेरी याद पक्की करेंगे। आप जब मेरे नमस्कार वहां पहुंचाएंगे ना, तो उन सभी के आशीर्वाद मुझे मिलेंगे, ताकि मैं दिल्ली में और ज्यादा देश की सेवा कर पाऊंगा, त्रिपुरा की सेवा कर पाऊंगा। इसलिए मेरा इतना काम करना है। करेंगे ना? बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।